नमस्कार दोस्तों, ढाई अक्षर पोथी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको हाथ में बने पर्वतों के बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। आपको पता होगा कि हाथ में कई रेखाएं होती हैं, कई पर्वत होते हैं और इन पर्वतों में, इन रेखाओं में हमारे जीवन का रहस्य छिपा होता है। हाथ में उंगलियों के नीचे जो ये हमारी उंगलियां हैं, इनके नीचे जो ये भाग उभरा हुआ है, इनको पर्वत कहा जाता है। इन्हीं पर्वतों से व्यक्ति के स्वभाव की विशेषता को जाना जाता है। हस्तरेखा के अनुसार छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत, मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत, अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत और तर्जनी के नीचे गुरु पर्वत होता है। बुध पर्वत और चंद्र पर्वत के बीच के क्षेत्र को मंगल पर्वत कहते हैं और हाथ में एक जगह और मंगल पर्वत होता है जो हृदय रेखा और जीवन रेखा के बीच के भाग में होता है। मणिबंध से बाई ओर जाए तो ये हमारा चंद्र पर्वत का क्षेत्र होता है और अंगूठा के नीचे ये जो मानसल क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये शुक्र पर्वत होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं गुरु पर्वत के बारे में। हाथ में गुरु पर्वत ये तर्जनी उंगली के नीचे होता है। अगर इस पर्वत पे कोई खड़ी रेखा है तो यह बहुत ही शुभ फल देता है। इस पर्वत पर अगर कोई आड़ी रेखा है तो ये व्यक्ति के लिए अशुभ होता है। गुरु पर्वत पर तारे का निशान है, तारे बने हो या त्रिशूल बने हो, तो ऐसा जिस भी व्यक्ति के हाथ में होता है उसके लिए शुभ होता है। उसमें नेतृत्व की क्षमता प्रबल होती है और राजनीति में वो उच्च शिखर को प्राप्त करता है। सरकारी नौकरी की भी संभावनाएं होती हैं और जिस व्यक्ति का गुरु पर्वत उभरा हुआ होता है उसको संतान सुख भी मिलता है। अब बात करते हैं मंगल पर्वत की। जो मंगल पर्वत होता है बुध पर्वत और चंद्र पर्वत के नीचे के क्षेत्र को कहते हैं। और आपको जैसा पहले भी हमने बताया कि हाथ में दो जगह मंगल पर्वत होते हैं, एक जगह हृदय रेखा और जीवन रेखा के बीच में जो क्षेत्र होता है इसको मंगल पर्वत कहा जाता है। तो मंगल पर्वत जैसा कि व्यक्ति की मानसिक और भौतिक क्षमता को दर्शाता है। मंगल पर्वत अगर अशुभ स्थिति में होता है, दबा हुआ होता है, तो ऐसे लोग गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, इन्हें अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं होता है। वही मंगल पर्वत की शुभ स्थिति व्यक्ति को निरोग बीमारी से यानी कि मुक्त बनाता है। वो ऐसे लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं और जीवन में बहुत ही साहसिक कार्य करते हैं। ये सैन्य क्षेत्र में जाते हैं। अंगूठे के नीचे के भाग, जो अंगूठा है इसके नीचे के भाग को ये हम शुक्र पर्वत कहते हैं। शुक्र पर्वत जो होता है व्यक्ति को विलासिता से भरा हुआ जीवन देता है। ऐसे व्यक्ति को सुख समृद्धि सुंदरता प्रेम संतान सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति दयावान कला संगीत का प्रेमी होता है और ये अगर पर्वत बहुत अधिक विकसित हो तो ये व्यक्ति के प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है। इनका दाम्पत्य जीवन भी सुखी होता है। मध्यमा उंगली के नीचे के पर्वत को शनि पर्वत कहते हैं। ये पर्वत अगर अधिक उठा हुआ होता है तो व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी ठेकेदारी से जुड़े कामों में सफलता मिलती है। अनामिका के नीचे जो ये हमारी रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, जिसमें हमारी सगाई की अंगूठिया पहनी जाती है, उसके नीचे के भाग जो मानसर क्षेत्र होता है वह सूर्य पर्वत कहलाता है। सूर्य पर्वत अगर शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति का जीवन राजा की तरह होता है। सूर्य पर्वत अगर उभरा हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति देखने में तो सुंदर होता ही है और स्वस्थ भी रहता है। ये लोग आशावादी बुद्धिमान भी होते हैं इनका जीवन। वही अगर बुध पर्वत चपटा हो, अशुभ स्थिति में हो, तो ऐसे लोगों को सफलताएं बहुत कम मिलती हैं। इस पर्वत पर अगर रेखाएं खड़ी हैं तो ऐसे लोग राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जैसे उच्च पदों को प्राप्त करते हैं। इनका समाज में नाम होता है। अगर यहाँ आड़ी रेखा है, सीधी ना होकर तिरछी है, आड़ी है, तो ऐसे लोगों को जीवन में असफलता का मुंह देखना पड़ता है और मान सम्मान की भी इनकी हानि होती है। अब बात करते हैं छोटी उंगली यानी कनिष्ठा उंगली के नीचे के क्षेत्र को बुध पर्वत कहते हैं। बुध यानी बुद्धि का प्रतीक, जैसा कि आपको नाम से प्रतीक है, अगर यह पर्वत उभरा हुआ है, अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा
बिजनेस में और नौकरी में इनकी स्थिति अच्छी होती है। बिजनेस में इनकी एक अलग पहचान होती है। आईटी और बैंकिंग के क्षेत्र में कहें तो इनको सफलता मिलती है और ये इस क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं हाथ में मणिबंध। ये हमारे हथेली के नीचे जो रेखाएं होती है मणिबंध कहलाती है। इसके बाईं ओर अगर हम जाते हैं तो इस रेखा को हम चंद्र क्षेत्र कहते हैं। चंद्र पर्वत वाले जिस व्यक्ति का भी चंद्र पर्वत उभरा हुआ मानसर होता है, ऐसे लोग कल्पनाशील, संवेदनशील, कवि, कलाकार, साहित्यकार होते हैं। यहाँ से कोई रेखा शुक्र पर्वत तक पहुँच जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। इनके विदेश में सेटल होने की भी संभावनाएं होती हैं। तो हाथ में, आज आपको हमने इस वीडियो में बताया कि हाथ में कौन से पर्वत कहाँ होते हैं और उन पर्वतों की शुभ स्थिति कैसी है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने पर्वतों को देखकर और उनकी शुभ और अशुभ स्थिति का पता लगा सकते हैं। अगर आपके पर्वत अशुभ स्थिति में, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्व रखती है।